बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बकरे की कलेजी बनाऊंगी, जो कि नहायत आसान और मज़ेदार डिश है। तो चले आएँ, कलेजी बनाना स्टार्ट करते हैं। कलेजी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे वो सब ये हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कौन कौन सी चीज़ें किस टाइम ऐड करनी है। तो चले आए बनाना शुरू करते हैं। चले आए कलेजी बनाना शुरू करते हैं। आज मैं कलेजी जो है ये कुकर में पकाऊंगी। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और फ्लेम की जो मेरी आंच है वो फुल है। तो ये मैं ऑयल डालने लगी हूँ, तकरीबन 2 चम्मच है हमारी, 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। ये गर्म होता है तो फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो ये हमारे मसाले हैं। ये तेज़पात का 1 पत्ता मैंने लिया है, 3 सब्ज़ इलायची ली है, चंद दाने मैंने काली मिर्च के लिए, 2 ज़ीरा मैंने लिया है और 1 जायफल, जायफल का मैंने पेस्ट बना लिया है। तो ये मैं पहले मैं इसमें ऐड करूँगी। आपने मेरी जो वीडियो है ये शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखनी है। मैं इसमें आपको कुछ टिप्स हैं वो कलेजी बनाने के वो बताऊँगी। ये मेरा एक प्याज है, ये मैंने बारीक चॉप किया हुआ है, इसको भी मैंने लाइट ब्राउन करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैंने लाइट ब्राउन करना है। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं तो जो कुछ टिप्स हैं जो हर कोई नहीं बताता कलेजी पकाने का। कलेजी तो हर कोई बना लेता है लेकिन कलेजी की कुछ बनाने के टिप्स होती हैं जिससे हमारी जो कलेजी है वो जायकेदार भी बनेगी और नरम भी बनेगी। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, ये हमारी कलेजी है 1 किलो है तो इसको मैं सारी इसमें ऐड करूँगी। फिलहाल इसको 2-3 मिनट फ्राई कर लें। तो जो टिप्स मैंने आपको बताया है कलेजी के नरम पकने का, वो मैंने कलेजी को 2-3 दफ़ा मैंने वॉश किया है। वॉश करके तो फिर मैंने थोड़ा सा इसमें बाउल लिया है, एक बाउल में उसमें मैंने पानी डाला है 1 गिलास और 1/2 कप मैंने दूध डाला है। दोनों को मिक्स करके फिर एंड पे मैंने कलेजी को उसमें डुबो के डिप किया, डिप करके फिर मैंने उसको निकाल के फिर वॉश किया है। तो इसे करने से भी आपकी जो कलेजी है बिल्कुल नरम बनेगी। और एक और टिप्स है, आपने कलेजी को ज़्यादा नहीं पकाना, ज़्यादा बनाएंगे पकाएंगे तो इसकी जो आपकी कलेजी है ये हार्ड बनेगी। 3 मिनट हमारे हो चुके हैं, कलेजी हमने फ्राई कर ली है। अब इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट है 1-1 चम्मच ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसको भी मैंने 2 मिनट फ्राई करना है बस। जो मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो है वो आप तक पहले पहुंच सकें। ये हमारा जो लहसुन और अदरक का पेस्ट है ये भी मैंने 2 मिनट फ्राई कर लिए। अब इसमें हम ये 2 टमाटर हैं इसका पेस्ट मैंने बनाया हुआ है, ये सारे इसमें ऐड करेंगे। और ये तकरीबन 1 प्याली यानी 1/2 पाव हमारा दही है, ये भी मैं ऐड करूंगी सारा। ये हमारे मसाले हैं, हल्दी है, मिर्चें हैं और कुटी हुई मिर्च है और ये मेथी है हमारी, ये मैं सारी एक ही दफ़ा इसमें ऐड करूंगी। दूसरा टिप हमारा ये है कि नमक, चाहिए हमने इसमें नमक नहीं डाला, नमक हम एंड में डालेंगे, ये हमारे हमारा दूसरा टिप है, ठीक है। नमक भी एंड पे डालने से हमारी जो कलेजी है वो भी ज़्यादा मज़े की बनेगी। हमने इसको फ्राई करना है, ये जो टमाटर और जो मैंने दही ऐड किया है इसमें, ये खुश्क होने के लिए तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, बल्कि ज़्यादा भी लग सकते हैं थोड़े से। तो ये खुश्क होता है तो फिर हम दोबारा भेजते हैं। ये हमारे 5-6 मिनट हो गए हैं, हमारा मसाला जो है बिल्कुल भुन गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ये थोड़ा सा मैंने डाला है। अब ये हमारा नमक है 1/2 चम्मच है, अब मैं इसको इसमें डाल रही हूँ नमक को।
नमक को मैंने एंड पे डाला है, ये आपने नोट किया होगा। अब मैं कुकर को सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद करूंगी। दो मिनट के मैंने बंद किया है और ये जब हमारी सीटी बोलेगी तो फिर मैं 2 मिनट हमने अकाउंट करने हैं। 2 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं। 2 मिनट मैंने कुकर बंद रखा था तो 2 मिनट बाद मैंने कुकर को खोल लिया है तो देखें माशाल्लाह कितनी लुक आई है। कलेजी की कलेजी जो हमारी हुई तैयार हो चुकी है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। कलेजी को डिश आउट कर दिया है, माशाल्लाह ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। अब ये थोड़ा सा हम इसमें लेमन है सेंटर में रखते हैं, ये देखेंगे। और ये हमारी सब्ज मिर्च है, ये भी सेंटर में रखेंगे। ये डिश जो है देखने में भी अच्छी होनी चाहिए और खाने में भी अच्छी होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।